हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्रिटिकल सर्जिकल नर्सिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, अपन वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट जो है वो है मिट्रल रिगर्जिटेशन। अपन ने पहले देखा प्रोलैप्स। प्रोलैप्स में क्या हो रहा था, जो लीफलेट है वो बलून स्पैक हो रहा था, मतलब जो लीफलेट होता है, जो उसका एक साइड का लीफलेट बलून से या बैग, जब भी सिस्टोल होता है तो ऊपर की तरफ बलून बैक हो जाता है या पावर की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है और ब्लड वापस एट्रियम में चला जाता है, मतलब रिगर्जिटेशन हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी क्या हो रहा है, ब्लड जब सिस्टोल होता है तो एट्रियम से, वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ पुश हो रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, या तो लीफलेट में प्रॉब्लम हो, या कोर्डना टेंडेनाइम हो, या पेपिलरी मसल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन कंडीशंस में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ चला जाता है, इस कंडीशन को मिट्रल रिगर्जिटेशन बोला जाता है। मिट्रल वाल प्रोलैप्स में भी रिगर्जिटेशन होता है, लेकिन इसको अलग से बताया गया है मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ब्लड फ्लोइंग बैक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के टाइम पे जो ब्लड का फ्लो है वो बैक हो जाता है, मतलब नॉर्मली होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे जब सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस प्रेशर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। ऑफन द मार्जिन ऑफ द मिट्रल वाल कैन नॉट क्लोज ड्यूरिंग सिस्टोल, क्योंकि रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि जो लीफलेट है जो बंद हो जाने चाहिए थे सिस्टोल के टाइम पे, जो लीफलेट वो बंद नहीं हो पाते हैं, ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होगी। अब इसके कोजेज की बात करें तो अक्यूट कंडीशन हो सकती है और क्रॉनिक दो तरह से हो सकता है। तो अक्यूट की बात करें तो एंडोकार्डाइटिस, पेपिलरी मसल रप्चर हो, ट्रोमा हो, या कोर्डना टेंडनाई है उसका रप्चर हो जाए, या लीफलेट फ्लेल हो जाए, तो इन कंडीशन के अंदर आपको अक्यूट जो रिगर्जिटेशन या मिट्रल रिगर्जिटेशन वो देखने को मिल सकता है। अगर क्रोनिक की बात करें तो मिक्सोमेटस, जो मैंने बताया था आपको, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है हार्ट के वाल्स को, रोमेटिक फीवर है, एंडोकार्डाइटिस है, मिट्रल एन्युलर कैल्सिफिकेशन है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन कंडीशन में क्रोनिकली मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। अब बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, सेम उसके जैसा ही है जैसा मिट्रल वाल प्रोलैप्स में था, क्योंकि उसके अंदर भी जो ब्लड का फ्लो था वो बैकवर्ड हो रहा था, और इसके अंदर भी, बस यहाँ पे चेंज है कि वहाँ पे जो बलून बैक हो रहा था, मतलब जब भी सिस्टोल हो रहा था तो जो वाल का साइज स्ट्रक्चर था उसका एक लीफलेट है वो बलून बैक हो रहा था, मतलब जैसे पावर पड़ता था तो ये एक लीफलेट थोड़ा सा अप हो जाता था, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, उसका हार्ट का जो डायग्राम बनाया उसमें देखना, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नॉर्मली नीचे की तरफ होगा। जैसे मान लो ये वाल्व है तो ये क्लोज हो जाता है जब बंद होना होता है, लेकिन जब प्रोलैप्स होगा तो उसके अंदर एक वाल्व जैसे ही प्रेशर पड़ेगा यूँ ऊपर की तरफ नॉर्मल यहाँ से यूँ हो जाएगा, बलून बैक हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ चला जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है या तो उसके लीफलेट में प्रॉब्लम है, या तो वन और मोर लीफलेट में प्रॉब्लम है, या फिर कोर्डना टेंडनाई में प्रॉब्लम है, एनुलस में, या पेपिलरी मसल में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा ओपन रह जाता है या ज़्यादा ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बैकवर्ड हो जाता है। बाकी आगे सेम होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड क्या होगा, रिगर्जिटेट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाना चालू हो जाएगा, जबकि जाना चाहिए था इधर। जैसे ही इसका सिस्टोल होगा, जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये ब्लड इधर की तरफ जाना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज टू होल्ड एक्स्ट्रा ब्लड। अब जैसे इसके अंदर ज़्यादा ब्लड आने लग जाएगा तो इसका साइज बढ़ने लग जाएगा, ये एनलार्ज होने लग जाएगा, या डायलिटेशन या हाइपरट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन, जिसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आती हैं, तो पल्मोनरी वेन्स जो इससे जो ब्लड आ रहा होता है, पल्मोनरी वेन्स जो एट्रियम में ब्लड लेके आती हैं, तो एट्रियम का एक तो बढ़ गया है साइज, एट्रियम का साइज बढ़ जाने की वजह से इसमें पुलिंग ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर से जो ब्लड आ रहा है, यहाँ किसी तरह के कोई वाल्स
नहीं होते हैं, वाल्व्स होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि वो प्रेशर की वजह से क्लोज ओपन हो सके, तो यहाँ पे वाल्व्स नहीं होते या यहाँ के वाल्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा इस ब्लड का फ्लो बैकवर्ड होना चालू हो जाएगा, यहाँ से आगे वाला ब्लड नहीं आ पाएगा, यहाँ से वापस उल्टा जाना चालू हो जाएगा ब्लड, तो जिसकी वजह से यहाँ आगे भी पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी कंजेशन, और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें भी ब्लड की पूलिंग बढ़ने लग जाएगी, और ये कहाँ इफेक्ट करेगी, राइट साइड ऑफ द हार्ट को, और इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो डिस्निया, फटीग, वीकनेस, कफ, पाल्पिटेशन, इडिमा, असाइटिस और पल्मोनरी इडिमा आपको देखने को मिल सकता है। ये सब क्यों हो रहे हैं, कार्डिक आउटपुट कम हो जाने की वजह से, और साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी इडिमा की वजह से ये सारे सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। और हार्ट फेलियर अगर हो जाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो उसकी वजह से और सारे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आपके जो फीट्स हैं या एंकल इडिमा है, एसाइटिस है, लिवर एनलार्जमेंट है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में, तो फिजिकल असेसमेंट में मर्मर विच लीड्स विच इज हेयर्ड बेस्ट एट द अपेक्स एंड रेडिएट टू द एक्सिला, जो मर्मर साउंड आएगा वो अपेक्स, जो हार्ट का अपेक्स होता है या नीचे का जो पार्ट होता है, द बेस पार्ट, अपेक्स पार्ट जो नीचे ही नीचे की साइड होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के और मिड क्लेविकुलर लाइन के पास, तो वहाँ पे जो अपेक्स पार्ट होता है वहाँ पे आपको अच्छे से सुनाई दे सकता है, और वो ऐसे लगेगा जैसे रेडिएट हो रहा है एक्सिला या बाहर की साइड, जो हाथ की साइड या अपने जो एक्सिलरी साइड है वहाँ पे ये रेडिएट हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा मर्मर साउंड। द पल्स में भी रेगुलर एंड ऑफ गुड वॉल्यूम, पल्स आपको अच्छे से सुनाई या अच्छे से फील हो सकते हैं। क्रैकल साउंड में ये ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन भी होगा, हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी इडिमा है, तो प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है जिसकी वजह से क्रैकल साउंड भी आपको सुनाई दे सकता है। इकोकार्डियोग्राफी करके जो एनलार्जमेंट है उसको देख सकते हैं, कार्डिक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, और चेस्ट रेडियोग्राफी करके अपन पता लगा सकते हैं, और ये सब अपने को फिजिकल असेसमेंट में पता चलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल थेरेपी फॉर मिट्रल रिगर्जिटेशन इज टुवार्ड्स आफ्टर लोड रिडक्शन टू प्रमोट फॉरवर्ड फ्लो एंड मिनिमाइज रिगर्जिटेशन बैक इनटू द एट्रियम। जो आफ्टर लोड है उसको रिडक्शन पे अपन फोकस करेंगे। आफ्टर लोड जो सिस्टोल के बाद एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, वेनस सर्कुलेशन या जो पल्मोनरी वेन से आ रहा है वो आफ्टर लोड होता है, तो उसको कम कर देना, और साथ में जो ब्लड एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है उसको बाहर निकाल देना, या जैसे डायूरेटिक्स थे कि अपन ब्लड का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रिगर्जिटेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वो जब सिस्टोल होगा तो ब्लड का बैक फ्लो भी कम होगा, तो इसका जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, एक तो आफ्टर लोड को कम करना और प्रोमोट फॉरवर्ड फ्लो की ज़्यादा से ज़्यादा एरोटा में ब्लड जाए, आगे डिमांड बढ़े डायूरेटिक्स थे, आगे ब्लड वॉल्यूम जैसे रीनल में से ब्लड या फ्लूड जाना ज़्यादा चालू हो जाएगा तो इधर से भी ज़्यादा फ्लूड फॉरवर्डली फ्लो होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन कम हो जाएगा। साथ में वैसो डायलेटर्स दे सकते हैं ताकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो, और सिस्टोल जब हो तब एरोटा में पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा इधर जा सके। डायरेटिक्स देंगे ब्लड फ्लूड के वॉल्यूम को कम करने के लिए, या इडिमा विडिमा जहाँ हो रखा है उसको कम करने, एसी इनहिबिटर्स देंगे ताकि ब्लड वैसो डायलेटर्स देने से या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो एस जो रास एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो वो एक्टिवेट ना हो, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट, एंजियोटेंसिनोजन जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए एस इनहिबिटर्स होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि वो एक्टिविटी ना हो, और साथ में हार्ट की रेट कम कर देना या हार्ट का वर्कलोड कम कर देना, इसके लिए डिजॉक्शन यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो मिट्रल वाल होता है उसको रिप्लेस करना या उसको रिपेयर, सर्जिकली रिपेयर करके अपन ट्रीट कर सकते हैं। तो ये गाइस ये था मिट्रल वाल रिगर्जिटेशन, तो आज अपन ने
मिट्रल वाल रिकर्जिटेशन पढ़ा, जिसके अंदर देखा कि मिट्रल वाल होता है वो जब पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जब भी सिस्टोल होता है तो ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इस कंडीशन को रिगर्जिटेशन बोला जाता है। और इसी के सिमिलर एक कंडीशन होती है प्रोलैप्स, उसके अंदर क्या होता है जो लीफलेट होता है, एक लीफलेट जैसे नॉर्मली ये दो लीफलेट हैं वाल के, तो एक लीफलेट क्या होता है बलून बैक हो जाता है। जैसे ही सिस्टोल होगा प्रेशर पड़ेगा पीछे की साइड या ऊपर की साइड एट्रियम की साइड चला जाएगा या प्रेशर की वजह से, और ब्लड वापस एट्रियम की तरफ चला जाएगा, और इसके अंदर जो वाल है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, इसकी वजह से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है ब्लड। बाकी सब सिम्टम सेम है, लगभग एक जैसे सिम्टम्स आएंगे दोनों कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस का ट्रीटमेंट भी लगभग एक जैसा होगा और दोनों कंडीशंस का मैनेजमेंट भी एक जैसा ही होगा।